गाइस आज की इस वीडियो में हम टोनी स्टार के सबसे पावरफुल और मोस्ट एविल ब्लैक हल्क बस्टर के लकी बॉक्स को ढूंढने वाले हैं। एंड ये ब्लैक हल्क बस्टर के लकी बॉक्स कितने ज्यादा अमेजिंग होंगे ये तो आप देख ही सकते हो। इनके अंदर हमें जो ये ब्लैक कलर का गॉड हल्क बस्टर मिलेगा ये तो दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल रोबोट है। तो अगर आप भी इस ब्लैक हल्क बस्टर की पावर्स को देखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अरे बाप रे भैया यार आज हम फिर से डैम पर आ गए। ये वाला पता है डैम वाला एरिया ना मेरा काफी ज्यादा फेवरेट है। हाँ शिनचैन ये बात तो भाई, यहाँ पर घूमने का जो मजा है ना वो काफी ज्यादा लगा है। और वो देख पीछे एक लोमड़ी थी। हाँ मैंने देख ली थी। अरे बैंक भैया वैसे एक बात बताओ, क्या इस डैम के पानी में हमें शार्क भी मिल सकती है? नहीं यार शिनचैन, शार्क है ना सिर्फ हमें सी में ही मिलेगी। और यहाँ पर हमें हाँ छोटी मोटी मछलियाँ तो दिख जाएंगी लेकिन यहाँ पर हमें शार्क नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है गाइस, यार हमारा ब्लैक हल्क बस्टर का पहले वाला लकी बॉक्स है ना यही कहीं मिलने वाला था, उसकी लोकेशन तो यही थी भाई, कहाँ पर गया? हाँ फ्रेंक भैया यार मैंने भी सुना था कि वो यही पर मिलेगा। अरे हाँ यार मुझे पता है शिनचैन। चलो गाइस यार यहाँ पर देख लो गाइस, अगर आपको यहाँ पर कहीं पर दिखे ना तो मुझे भी बता देना। अरे एक सेकंड, वो देखो हमें मिल गया है। शिनचैन भाई जल्दी नीचे आ, हमारा जो ब्लैक हल्क बस्टर का पहला लकी बॉक्स है ना वो यहाँ पर है। अरे फ्रेंक भैया यार ये तो दिखने में काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। हाँ यार वैसे बड़ा तो काफी ज्यादा है लेकिन एक सेकंड यार गाइस ये तो काफी ज्यादा हल्का है भाई, यार मुझे ऐसा लग रहा है शिनचैन कभी ये खाली ना मिले। अरे नहीं यार फ्रेंक भैया यार ऐसे मत बोलो। यार शिनचैन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है लेकिन एक सेकंड, चल भाई इसको है ना हम ऊपर लेकर चलते हैं, वहाँ पर इसको ऊपर ही हम ओपन करेंगे। हाँ फ्रेंक भैया यार ये ठीक रहेगा, चलो लेकर चलो। तो ऑल राइट गाइस ये देखो इस वाले लकी बॉक्स को हम यहाँ पर ऊपर लेकर आ चुके हैं। चल क्या बोलता भाई शिनचैन, ओपन कर दे इसको। अरे हाँ यार फ्रेंक भैया और किस चीज की वेट कर रहे हैं? अच्छा यार ठीक है ओपन कर रहे हैं। तो चलो गाइस अभी देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या मिलेगा। तो 3, 2, 1 फायर। अरे एक सेकंड ये क्या मिला है हमें? अरे बैंक भैया यार मुझे तो लगा था कि हमें ब्लैक हल्क बस्टर का सूट मिलेगा। यार मुझे भी ऐसा ही लगा था लेकिन ये तो यार कोई ऑफ रोड हमें कार लग रही है। अरे हाँ यार वो भी मॉडिफाई करवाई हुई है। एक सेकंड शिनचैन, इसके सस्पेंशन काफी ज्यादा अच्छे हैं, हम इससे ना ऑफ रोडिंग काफी अच्छी कर पाएंगे। चल भाई जल्दी से इसके अंदर बैठ और एक बार इसको चलाकर देखते कि भाई ये चलाने में कैसा है। हाँ हाँ ठीक है बैठ गया। चलो गाइस अब इसको चलाकर देखते हैं। अरे वाह गाइस यार इसकी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है और इसके जो टायर्स है ना उनकी ग्रिप भी काफी ज्यादा अच्छी है। फ्रेंक भैया यार इसके अंदर मजे तो आ रहे हैं, कैसे जंप करता हुआ चल रही है। हाँ यार शिनचैन ये बात तो भाई काफी ज्यादा स्मूथ चल रही है लेकिन एक सेकंड शिनचैन, इसके अंदर ये एक काफी बड़ा सा बटन है, इसको प्रेस करके देखूं? अरे फ्रेंक भैया देख लेना कभी ये ट्रक ब्लास्ट ना हो जाए। अरे नहीं यार ब्लास्ट तो क्यों होगा। चलो गाइस यार इस वाले बटन को मैं प्रेस करके देखता हूँ क्या होता है इससे। 3, 2, 1 ओ ये क्या है शिनचैन भाई देख तो मेरे पास कितना तगड़ा सूट आ गया है। अरे फ्रेंक भैया यार वो तो हल्क बस्टर की ना ट्रांसफॉर्मर कार थी, आपने जैसे उस बटन को प्रेस किया ना आपके पास ये तगड़े वाला ब्लैक हल्क बस्टर का सूट आ गया। देखो ये कितना ज्यादा कूल लग रहे हैं। गाइस यार देखो तो भाई कितना ज्यादा कूल है। एक सेकंड शिनचैन, पहले ना मैं जंप लगा कर देखता हूँ कि भाई ये सूट बस दिखने में ही काफी ज्यादा बड़ा है क्या या फिर इसके अंदर पावर्स भी है। चलो एक सेकंड, अरे शिनचैन देख तो भाई कितना बड़ा सूट है फिर भी इसने कितनी तगड़ी जंप मारी। और तेरा क्या हाल हुआ, ऐसे कैसे गिरा तू? पेंग्या यार इतनी बड़ी बड़ी जंप मारोगी तो ऐसे ही गिरूंगा ना। ये देखो भाई भागने की, यार ये कितना ज्यादा कूल है। एंड आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये टोनी के हल्क बस्टर से भी काफी ज्यादा पावरफुल होगा। गाइस यार आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है, ब्लैक हल्क बस्टर ज्यादा पावरफुल है या फिर टोनी का बनाया हुआ रेड हल्क बस्टर ज्यादा पावरफुल है? मुझे तो भाई इसको देखकर ऐसे लग रहा है कि ये ब्लैक वाला ज्यादा पावरफुल है। चलो गाइस इसकी एक और पावर आपको दिखाता हूँ, ये देखना गाइस कितना तगड़ा रोर। अरे यार ये तो हल्क वाली पावर है, इसके अंदर हल्क वाली पावर भी प्रोग्राम कर रखी है। गाइस ये जो रोर था ना ये हमारे ग्रीन हल्क का रोर है और आपको तो पता है कि ग्रीन हल्क का जो रोर है वो कितना ज्यादा खतरनाक है। फ्रेंक भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी बॉडी तो हल्क बस्टर की है लेकिन इसमें जो पावर्स डाली गई है ना वो हमारे ग्रीन हल्क की पावर्स हैं। हाँ यार शिनचैन अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि ये देख सेम टू सेम है ना, ये हल्क की तरह फास्ट भाग रहे हैं और उसी की तरह ना बड़ी बड़ी जंप भी मार रहे हैं और ये ना अभी जितना ज्यादा गुस्सा हो रहा है ना ये उतना ही ज्यादा और भी पावरफुल होता जा रहा है। हाँ यार भाई मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर ना हल्क पावर सी डाली गई है। तो चलो गाइस यार अभी हमने ब्लैक हल्क बस्टर के इतने तगड़े वाले सूट को देख लिया है, अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले लकी बॉक्स की तरफ।
रंग भी है यार, ये बीच तो काफी ज्यादा बड़ा है और ये समुद्र तो उससे भी ज्यादा बड़ा है, तो हमारा लकी बॉक्स यार क्या पता कहाँ पर होगा, हमें तो इस बार उसकी लोकेशन भी नहीं पता है। अरे यार चिंता मत कर, जो लकी बॉक्स होते हैं ना वो गहरे समुद्र में नहीं होते हैं, तो वो है ना यहाँ पर आसपास ही होंगे, बस तू है ना देखता हुआ चल, वो कहीं पर भी हो सकता है। हाँ यार पंगबिया वो तो मैं देखता हुआ चल ही रहा हूँ, अगर मुझे दिखेगा ना तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा ठीक है, तो चलो गाइस यार एक बार है ना इन पत्थरों पे चढ़कर और देख लेते हैं, यहाँ से है ना हमें दूर दूर का आसानी से दिख जाएगा। एक सेकंड, ये क्या है शिंचन, यहाँ पर पानी के अंदर कुछ है। आ रहा हूँ एक सेकंड, मुझे भी देखने दो। अरे पेंग भैया यार ये तो हमारा लकी बॉक्स ही है। पक्का लकी बॉक्स है? अरे हाँ यार साफ साफ तो दिख रहा है। एक सेकंड गाइस यार मैं अपनी ग्रेविटी गन से है ना एक बार इस लकी बॉक्स को बाहर निकाल लेता हूँ, एक मिनट। हाँ गाइस ये देखो यार, ये तो हमारा ब्लैक हल्क बस्टर का लकी बॉक्स ही है। चलो आराम आराम से इसे ना हमें बाहर निकालना होगा, बस यार ये फूट ना जाए, आराम से यहाँ पर रख देते हैं। चल भाई शिंचन जल्दी चल। अरे पेंग भैया यार, तो गाइस यार ये देखो हमें हमारा सेकंड वाला ब्लैक हल्क बस्टर का लकी बॉक्स भी मिल चुका है, और ये ना पहले जितना ही बड़ा है। पेंग भैया यार पहले वाले के अंदर तो हमें इतना तगड़े वाला ब्लैक हल्क बस्टर का सूट मिला था, इस बार क्या पता हमें क्या मिलेगा। हाँ यार शिंचन उसके लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ, तो चल भाई जल्दी से इसको ओपन करते हैं। हाँ ठीक है, तो चलो गाइज 3, 2, 1 फायर। अरे ये क्या है गाइस, एक सेकंड ये देखो। अरे बैंग भैया यार इस वाले लकी बॉक्स के अंदर से तो दो दो कार मिली है, एक तो आपके लिए और एक मेरे लिए। अरे शिंचन यार ये एक काफी तगड़ी वाली स्पोर्ट्स कार है, और ये दूसरी तो यार एक आरसी कार है। गाइस यार ये मुझे है ना आरसी कार ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, कौन सी चलाए हम? अरे बैंग भैया यार आप बड़ी वाली चलाओ और मैं आरसी चलाऊंगा। अच्छा ठीक है, चल पहले ना बड़ी वाली कार को चला कर देखते हैं, जल्दी बैठ। हां हां ठीक है बैठ रहा हूं। चलो गाइस यार इसको यहां से लेकर चलते हैं। अरे यार ये दिखने में भी काफी ज्यादा सही है और चलने में भी काफी ज्यादा अच्छी है, इसकी स्पीड एक बार गाइस टेस्ट करते हैं। ये देखो भाई स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है और इसका बूस्ट भी आई थिंक सही है। गाइस यार बूस्ट के बाद है ना इस वाली गाड़ी की स्पीड देखो एक बार आप, और दिखने में, अरे यार एक सेकंड ये देखो गाइस यार ये वाली कार तो काफी सुपर स्ट्रॉन्ग भी है, आपने देखा ना कितना तगड़ा यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, और हमारी कार को यहाँ पर सिंगल स्क्रैच तक भी नहीं आया है। अरे पेंग भैया यार भूल गए क्या, ये ब्लैक हल्क बस्टर के लकी बॉक्स के अंदर से निकली है, तो इसका मतलब तो साफ है ना कि ये सुपर स्ट्रॉन्ग तो होगी। हाँ यार शिनचैन वो तो मैं भूल ही गया था, तो चलो गाइस यार अभी हमने इस वाली कार को भी टेस्ट कर लिया है, अभी हम टेस्ट करेंगे हमारी सुपर आरसी कार को। चलो यहाँ से इसको लेकर निकलते हैं। अरे यार देखो तो गाइस यार हम रोड पर कितने छोटे से लग रहे हैं, बाकी की गाड़ियां आप देखना भाई हमारी इस वाली आरसी कार से कितनी ज्यादा बड़ी है, ये देखो भाई ये कितनी ज्यादा बड़ी है। लेकिन गाइस आपको ना इस आरसी कार की एक स्पेशल चीज दिखाता हूँ, ये देखना हम इस कार को टक्कर मारेंगे, वो देखो भाई वो कार कहाँ पर हवा में उड़ी है, हमको दिखाई भी नहीं दी है। ये वाली कार है ना सिर्फ दिखने में छोटी है लेकिन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो देखो भाई उस गाड़ी का क्या हाल हुआ है। पिंग भैया यार मुझे तो लगा नहीं था कि ये इतनी छोटी सी कार भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। हाँ यार वो तो मुझे भी नहीं लगा था। ये देखो गाइस यार सारी की सारी गाड़ी कैसे उड़ रही है, चलो यहाँ से ना जंप लगा के देखते हैं। ये देखो गाइस हमारी आरसी कार है ना जंप भी काफी सही लगा रही है, एक जंप यहाँ से, ये देखो भाई। वैसे पिंग भैया यार ये जो आरसी कार है ना ये बड़ी वाली स्पोर्ट्स कार से भी ज्यादा अच्छी है। अरे यार शिंचन ये भी कोई बोलने की बात है, ये वाली कार सच में बाकी की सभी बड़ी कार से ज्यादा अच्छी है। की स्पीड तो देखो यार ये कितनी ज्यादा फास्ट भाग रही है। यार इस कार की सारी चीजें अच्छी है शिंचन भाई, स्पीड भी काफी ज्यादा सही है, इसकी जंप देखो गाइस यार जंप भी काफी ज्यादा अच्छी है, और इसकी एक अच्छी बात पता है क्या है, हम इसको ना कैसे भी जंप करवा ले इसको कुछ भी नहीं होता है भाई। यार ये बात तो है, वरना पता है पिछले साल है ना मैं एक आरसी कार लेकर आया था और वो है ना थोड़ी सी ऊपर से गिर गई थी और जब ये ना टूट गई थी, लेकिन ये तो यार कितनी अच्छी है। हाँ यार शिंचन ये बात तो है, तो चल भाई शिंचन अभी अपनी आरसी कार को ना अपने घर पर पार्क करने के लिए चलते हैं, और उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले हल्क बस्टर के लकी बॉक्स को ढूंढने के लिए। अरे पेंग भैया यार मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप बार बार इस वाले विलेज में क्यों आ जाते हो। अरे शिंचन यार ये कोई नॉर्मल विलेज नहीं है भाई। अरे यार वो तो मुझे पता है कि ये ज़ॉम्बीज का विलेज है। अरे नहीं यार वैसे नॉर्मल नहीं बोल रहा मैं, मेरा मतलब कि ये ज़ॉम्बीज का जो विलेज है ना भाई इसमें काफी खतरनाक खतरनाक चीजें छुपी हुई है, तो हमारा जो हल्क बस्टर का एक गोल्ड लकी बॉक्स है ना वो इस वाले विलेज में मिलने वाला है। अरे यार वो तो मुझे पता है, लेकिन ये देखो ना अभी बारिश भी कितनी तेज आ रही है और ऊपर से देखो सभी के सभी ज़ॉम्बीज है ना रोड पर निकले हुए हैं। अरे यार तो क्या हुआ शिंचन मेरे साथ है तो भाई डर मत कुछ नहीं होगा। तो गाइस यार ये वाला जो विलेज है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक है, आपको यहाँ पर चारों तरफ है ना सिर्फ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज देखने को मिलेंगे, और हम है ना यहाँ पर अपने ब्लैक वाले गोल्ड हल्क बस्टर का लकी बॉक्स ढूंढ रहे हैं जो कि हमें यहाँ पर कहीं पर भी छुपा हुआ मिल सकता है। तो अगर आपको यहाँ पर
कोई लकी बॉक्स दिखे ना तो हमें बता देना। और हाँ, वो वाला जो लकी बॉक्स है ना, वो साइज में काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। अरे कैप्टन भैया यार, पिछले वाले लकी बॉक्स से भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। हाँ शिनचैन, उनसे तो है ना 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा ये वाला लकी बॉक्स। एक तो इस बारिश ने भी यार दिमाग खराब कर रखा है। और ये देखो गाइस यार, कीचड़ में ना हमारी बाइक का क्या हाल हो चुका है। सर्फिंग भैया सामने देखो, एक सेकंड कहाँ पर। अरे गाइस ये देखो भाई, हमें मिल गया हमारा गोड हल्कबस्टर का लकी बॉक्स। शिनचैन जल्दी उतर के आ। गाइस यार अभी हम छत पर पहुंच चुके हैं और अभी देखो भाई ये कितना ज्यादा बड़ा है शिनचैन। सच में गाइस यार ये तो गोड लकी बॉक्स है। और ये देख शिनचैन, मैं इसको धक्का मार रहा हूँ, ये भाई हिल भी नहीं रहा है, तो तू समझ सकता है कि इसके अंदर हमें कितनी तकड़ी चीज मिलेगी। अरे यार थैंक भैया, वो तो इसको देख के ही मैं समझ गया था कि हमें इसके अंदर से ना काफी बड़ी चीज मिलने वाली है। चलो इसको जल्दी से ना ओपन करते हैं। गाइस जब हम इस वाले लकी बॉक्स को ओपन करेंगे ना, तो इसमें काफी बड़ा धमाका होगा, इसलिए हमें ना उस लकी बॉक्स से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं, ताकि इसमें जब धमाका हो ना तो हमें कुछ भी ना हो। अरे बैंक भैया यार, लेकिन नीचे देखो, सभी के सभी ज़ॉम्बीज़ है ना हमारी तरफ ही देख रहे हैं। एक सेकंड गाइस, ये देखो भाई, सभी के सभी ज़ॉम्बीज़ है ना हमारी तरफ ही देख रहे हैं। तो चलो यार अभी है ना पहले इसको ओपन कर लेते हैं, बाद में बातें करेंगे। तो 3 2 1 फायर। अरे गाइस यार ये देखो, हमें कितना बड़ा ब्लैक गोड हल्कबस्टर का सूट मिला है। गाइस यार ये तो काफी ज्यादा ही बड़ा है। नीचे ज़ॉम्बीज देखो भाई, हमारे पैरों के नीचे दब रहे हैं। ये देखो भाई, ये सच में गाइस काफी ज्यादा खतरनाक है। चलो एक काम करते हैं, अपने लॉस सैंटोस में चलते हैं और वहां पर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यार अभी यहाँ पर बारिश आ रही है ना, तो यहाँ का मौसम काफी ज्यादा खराब है और आपको यहाँ पर ये है ना साफ साफ दिख भी नहीं रहा होगा। सो ऑलराइट गाइस, अभी हम लॉस सैंटोस में पहुंच चुके हैं। एंड गाइस अभी आप देखो इसका लुक, गाइस क्या ही खतरनाक लग रहा है ब्लैक कलर का। भाई यार सच में ये काफी ज्यादा बड़ा है। इसके पंच देखो गाइस, ये कितना ज्यादा ताकतवर है यार। ये दिखने में भी बड़ा है और साथ में काफी ज्यादा खतरनाक भी है। क्या हम इस वाले हल्कबस्टर को पानी के अंदर लेकर जा सकते हैं? अरे ये देखो गाइस यार, ये तो पानी के अंदर अच्छे तरीके से तैर रहा है, इसको कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी आप समझ सकते हो गाइस, इस वाले हल्कबस्टर के अंदर जो मशीन यूज की गई है ना, वो वाटर प्रूफ है। अभी है ना एयरपोर्ट पर चलते हैं और एयरपोर्ट के प्लेन्स के साथ है ना इसका कंपैरिजन करते हैं। तो ये देखो गाइस यार, अभी हम एक प्लेन के साथ खड़े हैं और ये प्लेन हमारे हल्कबस्टर के सूट के सामने कितना छोटा सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये बच्चों वाला प्लेन है, लेकिन ये एक रियल प्लेन है। अभी इसको भागते हुए देखो गाइस, ये कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को है ना कैसे जंप करके क्रॉस कर सकता है। ये हल्कबस्टर इतना ज्यादा बड़ा और भारी है, लेकिन फिर भी जो इसकी जंप है ना वो काफी ज्यादा अच्छी है। अभी देखो भाई, कितने बड़े बड़े ब्रिजेस के ऊपर से ना हम कितना इजीली जंप मार सकते हैं। और ये देखो भाई, हम जब जंप मारते हैं ना तो ये गाड़ियां देखो कैसे हवा में उड़ने लगती है, क्योंकि ये जो ब्लैक गोल्ड हल्कबस्टर है ना, ये काफी ज्यादा भारी है और काफी ज्यादा खतरनाक भी है। तो गाइस यार, आपको ये ब्लैक गोल्ड हल्कबस्टर का सूट कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना।